हाँ जकड़ो उसको और तेजी से। और जोर से पूरी ताकत लगा कितनी देर दो। नाक में खांदों पे पीठ पे लगाओ इतर वो। झगड़ो उसको अंदर से तेजी के साथ। हाँ झगड़ो उसको और तेजी से। बस हट जाओ हट जाओ। झगड़ो उसको और तेजी से लगा पूरी ताकत लगा पूरी ताकत लगा तेरी कितनी तो। झगड़ लो उसको और तेजी से। तेजी के साथ उसके दोनों हाथों को झगड़ लो तेजी के साथ में। हाँ लगा और जोर से जोर से। हाँ कहाँ से लाए थे? शमशान से कब्रिस्तान से। क्या पूछा मैं जवाब जल्द दे। कहाँ से लाए थे? झगड़ो उसको तेजी के साथ में। हजारों बार बोले आला माने कि कभी भी पेशेंट बुलाए तो हाथ में से चूड़ियां कान में बालियां गले में हारा ऐसे पिना के नहीं लाना। और पूरे फुट जाते वो यहाँ पे फुटने के बाद पूरा हाथों में जख्मा हो जाते। झगड़ो उसको तेज एक साथ में। दो वहां तक काट के लेने के मेरे को कहाँ से लाए थे? सही सही जवाब दे दो वहां तक जला दूंगा वो। शमशान से कब्रिस्तान से। कहाँ से? शमशान से। कौन लाया उसका नाम नहीं पूछा मई। औरत लाई कि आदमी लाया वो बता। खुद को खुद तो नहीं आ सकता तू शमशान से। तुम्हारे लिए औरत है आदमी है। कौन है? कौन है? औरत आदमी है। औरत है। हिंदू की थी? कौन से जात की थी? हिंदू की नहीं है। हाँ फिर कौन है? अपने जात की है। कहाँ से पकड़ के लाए फिर? कहाँ से लाए? सही बताने तो पूरा जला दूंगा अभी। जलाओ उसको जबड़ो उसको। हाँ कहाँ से लाए थे? कहाँ से पकड़ के उठाए थे जादूगर ने? जल्दी ना मैं दोनों हाथ जला दूंगा। जलाओ उसके हाथों में आग तेजी से भड़काते रहो। जलाओ उसके हाथ में तेजी से आग लगाओ। काट लो दोनों हाथ वो। फिर जल्दी बोल कहाँ से पकड़े? शमशान से कब्रिस्तान से। शमशान से। क्या नाम था तेरा मरने से पहले? क्या नाम था? चलेंगे इसके हाथों को जकड़ो उसके तेज एक साथ जकड़ो उसके दो हाथों को काट के आग लगाओ उसके अंदर। ले लूं काट के? नको बता जल्दी जल्दी बता। इज्जत से पूछे ना तेगू। नको इज्जत से पूछे ना। कौन लाया था वो? औरत थी आदमी था? औरत। हाँ इसकी माँ की रिश्तेदार है या इनका क्या नाम है? आरिफा। आरिफा अभी की अम्मा की तरफ की है अब्बा की तरफ की रिश्तेदार है क्या ससुराल की तरफ की है? ससुराल की भी नहीं है। पहचान वाली है? दोस्ताने की है? घर में की है। घर में की है? किधर के रिश्ते में की है? नाम मत बोल खाली रिश्ता बोल। बहू के रिश्ते में की। क्या ठीक है जकड़ के रखो और तेज के साथ। वो अभी नाम नहीं पूछेंगे तुम्हारा नाम आके पूछेंगे। अगर अभी नाम पूछाती है तो अभी नाम पूछाते नहीं दूसरे चक्कर में दूसरे राउंड में नाम पूछेंगे। पहले राउंड में नहीं क्योंकि तुम्हारे में लड़ने की क्षमता भी नहीं रहना जिस दिमाग ठंडा रहना तो जब नाम पूछेंगे। पहले पूछा के शर नहीं फैलाने का दूसरी बात झगड़े वो नहीं कराने के इसलिए इलाज करके लेना वो बेहतर है। कौन करा क्या करा वो तो आगे तो पता चल ही करना पड़ता हूँ। झगड़ा उसको तेजी के साथ में। और हाँ घर में क्या तकलीफ दे रही थी तू इसके घर में? बहुत तकलीफ। क्या क्या दे रही थी? बहुत तकलीफ। अच्छे बताऊं बोले तो नहीं सुनी। क्या नाम है? आरिफा। आरिफा अभी को क्या तकलीफ दे रही थी? कौन सी बात?
जोर से बोल। सारे तरीके से नहीं चल रहे थे घर में। हाँ। पूरे हाथ पे काम कर रहे थे। हाँ। सबको लड़ा रही थी। हाँ, सबको लड़ा रही थी आपस में। आपस में घर में बेटी आके झगड़े लगा रही थी, माँ के झगड़े लगा रही थी, रोज शोहर को सिखा रही थी। हाँ। रोज शोहर को सिखा के पूरी हालत खराब कर दी शोहर की। अच्छा। हाँ। अरे भाभी का जादू चलाते टाइम पे क्या लेके गए थे? कपड़ा। कौन सा? कहे का? कहे का मेरा ब्लाउज ले गए। अच्छा। कौन से कलर का ब्लाउज था आरे भाभी का? हाँ, कौन सा कलर? कत्था कलर था। कितना टाइम और ली जाके ब्लाउज वो? और 8-9 महीने ब्लाउज। औरत नहीं लगी, आदमी चुरा के लग गया। हाँ, औरत। अच्छा। हाँ। और वो औरत के साथ में उसके माँ बहना सब मिले वाले है कि नहीं? है, है। सब मिले वाले? बाबा आए थे। हाँ। उसकी माँ आई थी। अभी सब ने पूछा मैं तुझे खाली मिले वाले क्या नहीं सब लोग? मिले वाले है। अच्छा ठीक है, जकड़ के रखो उसको। अरे अभी का कपड़ा चुरा के कितना टाइम हो रहा? 9 महीने साल हो रहा। अच्छा, साल निकल गया। उनको दवा कहीं मिला के खिलाए थे? कौन से खाने में मिला खिलाए? रोटी में। कई की रोटी थी वो? जवारी की। अच्छा। हाँ। आरिफ अभी के बच्चों को भी खिलाए क्या पूरे दूसरे? सबको खिलाए घर में। अच्छा। और एक एक से मारने वाले के सबको दवाई बर्बादी लगा के? एक एक से मारने वाले है। क्या करके? खिला के, दवाया खिला के। अच्छा। बच्चों का भी लग गए थे क्या कुछ जादू करने को? क्या लग गए? बच्चे की बनियान ले गए। हाँ, किस किस का ले गए? नाम के साथ बोल। रफीक की बनियान ले गए। हाँ, दूसरा? दूसरा मेरा ब्लाउज ले गए। तीसरा? तीसरा मेरे शोहर का ले गए। नाम के साथ बोल, ना लाया तो अपनी जमीन में गाड़ दूंगा। रहीम का। हाँ। हाँ। और किसी का ले गए? और किसका? फूल ले गए। बेटियों का क्या लिए? कपड़े ले गए एक एक। अच्छा। उनको भी खिलाए? उनको भी खिलाए, सभी खाए। सबको खिला दिए? सब। घर में किसानों बरकत क्या करे? बरकत उड़ा दिए पूरी। जंगल भी लग गए। और जंगल से भटक रहे एक में सब बर्बाद हो रहा है। सब बर्बाद ही नजर आ रही घर में। एक भी घर में सब जंगल से भटक रहे। एक की बात एक नहीं मान रहा घर में। सबसे पहले किसको मारने वाले थे? मेरे को। आरिफ अभी को। हाँ, आरिफ अभी के बाद शोहर को। अच्छा, उसके बाद बेटियों को। कौन सी वाली पहले? बड़े। उसके बाद तीसरे। फिर उसके बाद तीसरे। फिर चौथे। फिर शोहर को, बच्चे को, बुरे बच्चों को। हाँ, बुरे को कैसा मारने वाले थे? बीमारी डाल के, एक्सीडेंट करा के, सुसाइड करा के, अपने से, बीमारियों से, परेशानियों से, कुछ भी दवा खाने से। सबको अलग अलग तरीकों से मारने वाले थे। सबको अलग अलग तरीके से मारने लेते हैं। अरे अभी को मारने को कितना टाइम बचे अभी? क्या है कि नहीं मालूम। अम्मास में पूनम में कब मारने वाले? सही बोल, मैं तो अभी तेरे हाथ काट के जला देता हूँ। झगड़ो उसके हाथों को तेज से, झगड़ लो। हाथ लगाओ उसके हाथों में, दोनों हाथों में हाथ लगाओ उसके। झगड़ो उसके हाथों में हाथ लगाओ तेज से, दोनों हाथों में। हाँ बता, कितना टाइम बचा रहे अभी कुमार ने को? हाँ, और बोल। अम्मास, अम्मास। हाँ। अच्छा, अम्मास मार देने वाले थे? कितने टाइम बचा रहा? 2-3 महीने। कितने महीने? कितने महीने है? सही बोल, जल्दी काट दूंगा अभी, तो टुकड़े कर दूंगा। 3 महीने। अच्छा, इनके 3 महीने के बाद फिर किसको मारने वाले थे? शोहर को। उनको कितने महीने मारने का था? उनको भी कितना? मेरा पीछे 3 महीने। सबको 3-3 महीने का नंबर है। ठीक है, चलो जकड़ लो तेज हिसाब में, जकड़ के आग लगाओ उसके अंदर से। इसको मार मार के खत्म करने की तैयारी करो। इसको जकड़ के जंजीरा डाल के रखो उसको बन के, और उतार के अंदर, अमल के अंदर उसको जला जला के मार मार के नष्ट करो। उसके सब साथियों को, सब वारों को सब खत्म करो। बंद के डालो उसको, उसकी जाके नाला को, और सबको जला जला के मारो उसके साथियों को, सबको। और अंदर की उसकी दवा जकड़ लो, जो दवा उसको भुला भुला के ले लो, दवा को भी जकड़ के रखो। इधर जरा कैमरे वाले, ये जो दास्तान है तो ये क्या बयान कर रहा है अंदर से कि इनके घर में ऐसे कोई नौरत थी। अभी तो नाम नहीं पूछा है, मैं नाम आगे पूछूंगा, क्योंकि नाम तो पूछेंगे आगे घर आने के लिए, मगर जिसका भी नाम निकला तो वो तो जो भी दास्तान है वो आएंगा। नाम आगे तो बताने चला, अभी मैं पूछा सकता था, मगर अभी नहीं आगे पूछूंगा।
शुरू शुरू में पूछा तो झगड़े को होते। और सबसे अहम बात ये है कि तुम अगर ऐसे हरकतें करेंगे, समझो और सुधरो, जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे भीख, ये बात याद रखना। तुम अगर सुनेंगे नहीं और सीखेंगे नहीं और अदब और तमीज के दायरों में नहीं आएंगे और तुम अल्लाह और उसके रसूल की रस्सी को अतात की अल्लाह और उसके रसूल की रस्सी की अतात नहीं करेंगे मजबूती से थाम कर, तो फिर तुमको क्या बोलते हैं, तो यकीनन आजाबों में भी घेरा जाएगा और तुम्हारे वतन से तुम्हारे बेटों से अल्लाह नेक सालहीन औलाद अता नहीं करता। कैसा डालेगा तुम्हारे अंदर वो नेक सालहीन रूहें कि जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिए। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, बाबा शेख फरीदुद्दीन शक्करगंज रहमतुल्लाह अलैह, बाबा जितने भी थे, पढ़ो उन सबके वाकयात पता चलेंगे तुमको क्या दास्तान थे, कैसे ताकतें दिया था अल्लाह ने। साबिर पिया करियर शरीफ वाले कैसी ताकतें दिया था अल्लाह ने, कैसी रूहें थी उनके अंदर, कैसी थी उनकी उनकी माएं की कोख भी, कितने नेक बखत माँ की औलादें थे। बोलकर ही तो बच्चे उतने नेक बखत पैदा हुए ना, कि वो बच्चे ऐसे थे कि अगर दुआएं कर देते तो अल्लाह उनकी दुआएं कभी रद्द नहीं होने देता था। पढ़ लो ना तारीख, पता चलेगी तुम्हारा को। आने वाले तूफानों को भी अगर उन्होंने देख लिया तो तूफान पलट के भाग जाता था, इतना जिक्र का जलाल था उनके अंदर, इतना नूर भरा था अल्लाह का। क्यों? तो उनकी माँ भी तो वैसी थी, नस्ल भी तो वैसी थी ना, नस्ल भी तो होना जरूरी है ना। ये बात याद रखो ना, जब वली के पेट में शैतान पैदा होगा, अरे अकल के अंधो, वली के पेट में कभी शैतान पैदा नहीं होता। माँ तो वो दर्जात अल्लाह ने इबादत में अगर बुलंद है उसके माँ के और बाप के, तो फिर बच्चा गौसुल आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह पैदा होता, फिर बच्चा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पैदा होते। पढ़ो ना उनके अंदर वैसे रूहें ला के डालते, पढ़ो वैसे वाकयात तुमको पता चलेंगे। तुम जैसे हरकतें करेंगे, मामा बहनों कान खोल के सुनो, तुम्हार से ही तो क्या बोलते, तो पूरी उम्मत की मेन तुम जड़ है, तुम्हारी कोक अगर मजबूत है और तुम्हारा गोद अगर मजबूत है इबादत के मामलों में, तो तुम्हारी नस्ल भी मजबूत रहेंगी और तुम्हारी नस्ल इबादतों के अंदर मजबूत रहेंगी, तो तुम्हारी पूरी कौम और तुम्हारी पूरी उम्मत मजबूत रहेंगी। क्योंकि तुम्हारे उम्मत के रहबर फिर ऐसे रहेंगे कि मोइनुद्दीन चिश्ती के नक्शे कदम पर चलने वाले, ख्वाजा फरीदुद्दीन शक्करगंज रहमतुल्लाह अलैह के नक्शों पर चलने वाले, ये सब फिर ऐसे रहेंगे कि गौसुल आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के नक्शे कदम पर चलने वाले, कि तुम्हारे बदन से ऐसे औलादे पैदा करेंगे अल्लाह कि उठते उनके उनके बराबरी की तो नहीं कह सकता, मगर उनके कहीं झलकात नजर आएंगे तुमको उनके अंदर, वो बच्चों में। क्यों? क्योंकि वो भी तो बच्चे नेक सालहीन तुमने इबादतें करके पैदा कर आई। तुम्हारे अंदर इबादत का नूर जब पैदा होगा, तो वाकई में तुम्हारी कोक, माँ की जो कोक है वो रूहानियत का पहला स्कूल है, माँ की जो गोद है वो दुनिया का पहला स्कूल है। दोनों अलग अलग स्कूल है, कोक के अंदर रूहानियत का स्कूल चलता है और माँ की गोद के अंदर जो बच्चा पैदा होगा दुनिया भी स्कूल चलता। तो ये तुम दोनों मामलात में बच्चे को मजबूत रखेंगे। माँ अगर नेक सालहीन है, जादू टोने नहीं करती, इबादत करती, कुरान हदीस रोजे अल्लाह रसूल घर में दीन की तालीम, सुबह शाम सूरह यासीन सूरह रहमान सूरह मुजम्मिल सूरह यूसुफ जो तुमको पढ़ना है पढ़ो, तो इससे क्या होगा मालूम क्या, बच्चे पे असर पड़ेगा, ऐसा असर पड़ेगा अंदर कि बच्चा भी नेक बन के दुनिया में बताऊंगा और वो बच्चों के हाथ से फिर अल्लाह मौजजात भी दिखाएंगे और वो नेक रूहें रहेंगी और वो रहबर अगर कौम के बनेंगे तो पूरी कौम को लीडिंग करके लेके चलेंगे सही तरीके से, लीडर बन के और सही तरीके से कौम के रहबर, दलाल नहीं बनेंगे। तुम्हारे कोका खराब हो गए, तुम्हारे नियता खराब हो गए, तुम्हारे दिला खराब हो गए, तुम जादू टोने कर रहे, जादूगरों के साथ जा रहे, रातों में जा रहे, गलीज हरकतें कर रहे, तो फिर तुम्हारी कहां से औलादें नहीं करेंगी। यकीनन तुमसे जो औलाद पैदा होंगी वो कौम का दलाल रहेगा, दलाल तुम्हारे पूरे कौम को ले जाके भेज देगा। जो आजकल दलाला कर रहे ना, कौम के बड़े दाड़िया रख के बातें कर रहे आगे, उन पर लानत हो अल्लाह की दलालों के ऊपर। वो जो दलालियां कर रहे, खुलेआम दलालियां कर रहे, उनके बयान सुनो जरा, उनके बयानों में पकड़ो कि कैसे कैसे दलालियां कर रहे हो कौम के, कैसे कैसे झूठे बातें कर रहे अल्लाह रसूलों के, इनके कुरानों के कसमा खा के। दलाला तो वैसी औलादे पैदा होंगी, और अगर तुम नेक सालहीन और इबादत गुजार मां रहेंगी तो फिर वो बच्चे पैदा होंगे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जैसे, कैसा गजा को छीन के गजा से निकला बच्चा, और कैसा क्या बोलते तो मस्जिद अक्सा उतावे लिया था, तो वैसे बच्चे जिनसे पूरे यूरोप कंट्री और सब पत्थर कांपते थे जिसके नाम से, वैसे बच्चे पैदा होंगे सुल्तान फतेह अल मोहम्मद के जैसे बच्चे पैदा होंगे, अरतबुल गाजी के जैसे होंगे, सुल्तान उस्मान के जैसे होंगे, खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद डालने वाले। तो उनके माँ बाप भी तो नेक थे, अरतबुल गाजी जो नेक थे हलीमा सुल्तान भी नेक थी, इबादत गुजार खातून, तो फिर अल्लाह ने कैसा बेटा दिया था उस्मान अता करा था कि खिलाफत उस्मान की बुनियाद रखा था उन्हें, कि आधी से ज्यादा दुनिया पे हुकूमत कायम कर दिया था।
तो ये इबादत के नूर रहते और ये इबादत की ताकत रहती, इबादतों के जिक्र असकार रहते। जैसा तुम्हारे शरीर को खा के तुम बॉडी बिल्डिंग बनाते ना, बड़ा पहलवान और बड़ा रुस्तम बन के तैयार होते, रूहानियत को भी गजा देना पड़ता। और रूहानियत की गजा है जिक्र असकार। जब माँ रूहानियत की गजा देंगी बच्चे को कोख में, तो माँ पढ़ेंगी ज्यादा से ज्यादा इबादत करेंगी, तो बच्चा नेक सालेह पैदा होगा दुनिया में, ऐसा बच्चा होगा पूरी दुनिया में आलम इस्लाम का परचम लेके चलने वाला। पढ़ो ना तारीख से पता चलेगी। माँ जाएंगी जादूगरों के पास में, बुत परस्ते वालों के पास में जाके जादू टोने करेंगी, ऐसे हरकतें करेंगे, एक दूसरे के ऊपर जादू चलेंगे, हसद जलन कीना कपट, उसका जेवर है मेरे कने क्यों नहीं है, ये सब ऐसे हरकत करेंगे, तो फिर तुम्हारी दुनिया भी गई, आखिरत भी गई, तुम्हारी नस्ल भी गई, सब गया, सब बर्बाद होगा, सब तुमने अपने आप को शैतान के सुपुर्द कर दिए, शैतान के हवाले कर दिए। शैतान के हवाले और शैतान के सुपुर्द मत करो अपने आप को, अल्लाह और उसके रसूल के सुपुर्द कर दो, अल्लाह और उसके रसूल के हवाले करो, अल्लाह और उसके रसूल की राह में मर मिट जाने वाले बन जाओ, तो अल्लाह भी तुम्हारा निगेबान रहेगा, तुम्हारी हिफाजत करेगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। हर जगह तुम्हारा सब फिर बन गया समझो, हर जगह तुम्हारा डंका चल गया। और तुम अगर मनमानी करने वाले निकलेंगे तो तुम्हारी नस्ल भी बर्बाद, तुम भी बर्बाद, सब बर्बाद। और माँ बाप ये सोचो कि तुम ये सोच रहे होंगे कि हम जादू टोने कर देंगे, किसको भी तबाह बर्बाद कर देंगे, किसका भी हक खा लेंगे, किसको भी कत्ल कर देंगे, बाद में हम खबर में जाके सुकून से सोएंगे, आजाब खबर में भरना पड़ता। और दूसरी बात ये मालूम, तुम्हारी नस्ल अगर बिगड़ गई, तुम्हारा देखते तुम्हारी नस्ल भी बिगड़ती, तो उसका भी आजाब मिलता, वो भी आजाब लेंगे खबर में तुम्हारे पास में। जैसे करेंगे वैसा दो पांच टेरिंगा वही काटना पड़ेगा। यहाँ दुनिया में वैसी नस्ल छोड़ के देंगे तो नस्ल जो गुनाह करेंगे वो खबर में उसका अजाब मिलेगा तुम्हारा, उतना मार पड़ेंगी कि मैं बयान नहीं कर सकता तुम्हारा, खबर में कैसी मार पड़ेंगी। खबर का अजाब अगर तुम्हारा बता दिया जाता था ना, जाहिर कर दिया जाता था अगर, तो तुम उसके डर से अजाब के मुर्दों को जमीन में गाड़ना ही छोड़ देते। ये भी हदीस में पढ़ो, पता चलेगा इतना खतरनाक अजाब इलाही रहता। और अजाब अल्लाह किसी को नहीं देता खबर में, अल्लाह तुमसे 70 माह की मोहब्बत करता, हल के लो समझो 70 माह की मोहब्बत करता। ये तुम्हारा जो आजाब देता ना खबर के अंदर, तुम्हारे आमाल रहते, जहन्नुम जो ले जाते अल्लाह ने डालता, तुम्हारे आमाल ले जाते तुम्हारे जहन्नुम में। नेक आमाल बनाओ, नेक आमाल पे चलो, सिरातुल मुस्तकीम की राह पर चलो, तो फिर तुम्हारे को दुनिया वाकई सब बन गई। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे, क्योंकि मैं तुमको क्या बोलूं, मैं इसलिए ये सब बातें बताता कि अगर मैं नहीं बोला तुमको तो कौन बोलेगा, कौन तुमको बताएगा, कौन सिखाएगा तुमको, है कोई सिखाने वाला लायक इंसान, है किसी को दिया अल्लाह ने रुतबा बुलंद करा किसी के, कैसे है बदमाशा चट्टे बट्टे दलाला बने वाले कौम के, उम्मत में बहुत दलालों के, यहाँ तक कि फिरके तक बांट दिए दलालों ने, बहुत ज्यादा उलमा बन के क्या क्या बन के, कुछ भी फतवे दे के, कुछ भी दिल से लिख दे रहे हैं, क्या भी बोल दे रहे, किसको भी जायज करार दे रहे, किसको भी नाजायज करार दे रहे। अरे समझो रे, क्या बोलूं मैं, बोलने को अल्फाज नहीं है। कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक दे, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो फिर तुम कौन बताएगा, मेरे को तुमको बताना वाजिब है। मैं तुमको इसलिए बताता कि तुम ये देखकर इस सब दुनिया से वाकिफ हो, आखिरत की भी और ये भी दुनिया सब बातों से। कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक दे। रोको तकलीफ होती जाएंगे, वो तकलीफ होती है अम्मा सुनने की नजर में जी हालत बिगड़ी थी पूरी दी, पेट में तकलीफ होती, पेट का छुआता खाना नहीं खा रहे ना कुछ दिन से, पहले सालों दवाखाने बता रहे, पहले नहीं कुछ भी नहीं था, शायद दवाखाने मगर सवाल जवाब नहीं हुआ, हाजिर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा यहाँ कितनी बार आए तुम? फर्स्ट बार है, फर्स्ट बार में हाजिर होगा, हाजिर होगा। अच्छा दूसरी बात, तुम्हारे कहाँ से आए थे? निजामपुर से। इधर कैमरा मैन का तरफ, सबका अलग अलग रहता, और यहाँ जो निजाम चलता मैं मेरे हाथ से नहीं चलाता, मेरा कुछ भी नहीं इसके अंदर। कुरान के अंदर सूरह मरियम के अंदर पढ़ो, अल्लाह फरमाता कि मौजज़े जो दिखते वो अल्लाह के हुकुम से दिखते, और यहाँ तुम अगर साफ नियत लेके आएंगे, लड़ने की नियत नहीं रखेंगे, तुम्हारा एक ही दिन में खुलासा हो जाएगा। और तुम लड़ने की नियत रख के मेरे पास में आएंगे, जो भी जिसका भी नाम निकला उसका हम कत्ल कर देंगे, उसकी मुंडी गिरा देंगे हम जमीन पे, तो फिर ये क्या है, ये निजाम डायरेक्ट तार वहां से जुड़े आगे, फिर तुम्हारा नाम नहीं आता सामने, खाली इलाज करके देते। तुम नियत साफ रखे हो मेरे पास, एक ही दिन में एक ही मिनट में सामने नाम आएगा, सामने रखा था पाऊंगा। सब दास्तान है, बहुत सारे बातें हैं। और एक बात बार बार बताता हूँ मैं कि अहम इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो, बाकी कोई तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता, इबादत शुरू से करते रहेंगे तो ठीक है। चलो